बन्नाकर्ताः परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि शिवंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक कच्च के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शिवंदन नमन। तत्कालीन वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शिवंदन नमन। इस विश्व की प्रथम तपसाधिका 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुण्यमया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुण्यमया के चरणों में वंदन। स्नेही प्रिय छोटी दोनों साधवियां इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ को। आप इस प्रांगण में आए, हमें बोलने का अवसर दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। जिनके सहयोग से आप इस प्रांगण में आए हैं उन सभी को आप एक बार धन्यवाद दीजिए। कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा, मुस्कुराइए ना, ये मुस्कुराने का वक्त है। पता नहीं आज हमारी जिंदगी से मुस्कान हो गई है। ऐसी कितनी दुविधाएं हैं जीवन की जो मुस्कान की लुप्त हो गई है, मुस्कुराने से ये परमात्मा का प्रांगण है, ये जिन शासन का आंगन है, कितना प्यारा है ये आंगन जो सबको जीना सिखाता है, चलना सिखाता है, मुस्कुराना सिखाता है। यहाँ से मुस्कान लेकर जाओगे तो दिन भर मुस्कुराते रहो, इसलिए प्रेम से भरकर एक बार मुस्कुराकर उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद शुक्रिया अदा करो जिनके सहयोग से आप यहाँ पर आए हैं। सहयोग हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है ना, बोलो या नहीं? बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्यारी सी आज साधना कराऊंगी, पूरे इंदौर में जहां जहां पर गए हैं सभी जगह कराई है। वो साधना है कृतज्ञता की साधना, धन्यवाद की साधना। हमने जिंदगी में बहुत कुछ किया है लेकिन धन्यवाद देने में हमेशा कंजूस रहे। जिसने हमारी जिंदगी में छोटा सा भी उपकार किया है उसको भी आज क्या देना है, आज से शुरुआत करनी है आपको। जहां जहां पर ये धर्म सभाएं हुई, जब खुले समय में इंदौर में विचरण किया, हमारे सुभाष भाई तो हर जगह आते रहे, वो तो रूबरू हो चुके हैं, उनकी मुलाकात हो चुकी है धन्यवाद की साधना से, लेकिन आप सबकी नहीं हुई है। इसलिए आज आपको यही सिखाना है, और सिखाना नहीं इसको जीवन में अपनाकर करना है। यहाँ इस धर्म मंच से आपको जो भी कुछ मिलेगा वो आपकी जीवन में अवश्य अवश्य घटित होगा। तो ऐसी परमात्मा की ये दिव्य अलौकिक साधना, जो इंसान जो मानव किसी को धन्यवाद देता है उसके जीवन में समाधि बढ़ती है, उसके जीवन में धैर्य बढ़ता है, जिसके कहते हैं बी पॉजिटिव। कौन सी साधना रहेगी? आज हर जगह आपको कहीं ना कहीं ऐसे शिविर ऐसे कार्यक्रम के लिए आमंत्रण आता है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी एड आती है, क्योंकि आज इंसान इतना परेशान है उसको पॉजिटिव होना, इतनी नेगेटिविटी भर गई है हमारे अंदर, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है।
जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि धन्यवाद कब निकलता है? आज की दुनिया में तो फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, और फॉर्मेलिटी में अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सब मुझे अच्छा करे। कौन सा रोग है आज इंसान को? घर में चाहे चेहरा कैसा भी हो, यहाँ जब बाहर आकर जब दोस्त मिलते हैं ना तो क्या कहते हैं, थैंक्स अ लॉट आज तुम मिले इतने दिनों के बाद, और घर में आके चेहरा कैसा हो जाता है, ये माथा तो सिकुड़ जाता है और जी कितने कर्कश चीज छोड़ती है। सारी मुस्कान सारा प्यार सिर्फ बाहर वालों के लिए रह गया, अपने घर के लिए तो कुछ भी। बेचारे घर के लोग इतना परेशान रहते हैं कि जब भी घर में आते हो इरिटेशन से भरे होते हो, चिड़चिड़ाहट से भरे होते हो, और सारा का सारा कहा बाहर का गुस्सा घर में आके उतार देते हो, होता है ना ऐसा? गौर करके देखिए अपनी जिंदगी में आपके घर के कौन कौन लोग आपसे संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, चूक उनमें नहीं सामने वालों में नहीं, किसमें है? हमारे, क्योंकि हमने बाहर का जीवन जीना शुरू कर दिया है। सब कुछ हम बाहर का करते हैं क्योंकि बाहर की चीजें इतना ज्यादा प्रभाव करती जा रही है। सबसे ज्यादा खाना भोजन भी कहां का खा रहे हैं? अभी कल से एक विषय शुरू करेंगे, बहुत प्यारा और मेरा सबसे प्यारा विषय है, रसोई घर से धन्यवाद की साधना, सत्कार्य की साधना प्रारंभ होती है। कहां से? रसोई घर से। आज तक तो आपने सुना होगा कि भोजन करने से संथारा नहीं आता ना, मैं कहती हूँ भोजन छोड़ने से, आपने सुना है भोजन छोड़ोगे तो संथारा आएगा, लेकिन मेरा गणित थोड़ा सा उल्टा है कि जब आप भोजन करेंगे तो आपके पास संथारे की साधना आ जाएगी। अब कौन सी साधना है? भोजन करने से संथारा आ जाए, कितने कमाल की बात है। तो वो भोजन बनाने की विधि और वो रसोई घर की साधना, मैं सोचती हूँ अगर ऐसी साधना इंदौर के हर घर में शुरू हो जाए ना तो सारे रोग सारे शोक सारे दुख दुविधाओं का अंत हो जाएगा। जरा मैसेज पास कर देना आगे कि एक विलक्षण साधना, 3 महीने का एक्सपेरिमेंट होगा आपके रसोई घर से प्रारंभ होकर। वो रसोई घर से प्रारंभ होकर आप लोगों के जीवन में, आपके रोम रोम में, आपके खून के कतरे कतरे में एक प्रेम का प्रकाश, संस्कारों की गरिमा, जो रसोई घर में वो संस्कारों की शाला है। तो ये विषय लेंगे, आज थोड़ी सी बात कर जाए किस पर? धन्यवाद पर, जिसको बाहर तो जीते हो और घर में आके भूल जाते हो। सबसे पहली शुरुआत कहां पर करनी है? अपने घर की आंगन से। आपके घर के लोग अगर आपसे खुश है ना तो बाहर दुनिया की सारी खुशी आपके पास आ जाएगी। लॉजिक नहीं, सिद्धांत है जीवन का। अगर आपके घर के लोग आपसे परेशान हैं, दुखी हैं आपसे, तो बाहर का जितना दुख है वो सारा तुम्हारे पास। दूर की सहेली का फोन आ गया, कितने बार थैंक्स बोला उसको, आज तो पूरा दिन बहुत अच्छे से पास होगा। एक सहेली का फोन आ गया और जो दिन भर तुम्हारा सहयोग करते, तुम्हारे लिए भोजन बनाया, रसोई घर में तपे, तुम्हें पानी चाय सब कुछ दिया, और उनके लिए कोई धन्यवाद, उनके लिए कोई कृतज्ञता? कोई कृतज्ञता नहीं। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहूंगी ये बात, जब भोजन की थाली आपके सामने आती है तो कौन कौन अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, या घर में जो भी सहयोगी है उनको धन्यवाद देते हैं? कोई भी नहीं देते, शिकायत तो बहुत बार करते होंगे। जब भोजन की थाली सामने आई और उसमें कुछ आपके अनुकूल नहीं हुआ तो शिकायत तो करते बोल दो, हमारे साथ शिकायत करने में हम नंबर वन है ना। अंदर जो भरा है वो आपका बाहर निकल रहा है। अंदर कृतज्ञता होती, अंदर प्रेम होता तो आपके भीतर से प्रेम निकलता,
लेकिन क्या भरा हुआ है? नजर किस पर रहती है? हमारी नजर किस पर रहती है? एक मक्खी को आपने देखा होगा, पूरा शरीर तो साफ सुथरा है और जहां पर जख्म होता है वहां पर क्या करती है वो आकर? उस मक्खी जैसा बन रहा है क्या? हाँ बोलो। नहीं ना, किसके जैसा बन रहा है? किसके जैसा बन रहा है? सुवास पर, फूलों पर बैठना सीखो, फूलों की सुगंध लेना सीखो, फूलों का रस लेना सीखो। कौन सा फूल? गुणों का, अच्छाई का, सद्गुणों का। किसी के अंदर कोई भी गुण तुम्हें नजर आए तुरंत वहां पर बैठ जाओ, चिपक जाओ वहां पर, उस गुण को ग्रहण करके ही वहां से भोजन की थाली सामने आई और आपने कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की बल्कि शिकायत कर दी। और बहने माता जी, सासू जी जो है, बहू ने भोजन बनाया, थाली सामने आई, पसंद नहीं आया, अरे इतना समय हो गया, तेरी माँ ने ये सिखाया था? ऐसा को वचन तो शायद आप नहीं बोलते होंगे, क्योंकि जब भी आप लोग मुंह पत्ती लगा करके समाइक में आकर इस धर्म सभा में बैठते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जीवन में कोई पाप नहीं कर सकते। पता नहीं परमात्मा का ये सुंदर लिबास, ये बाना ही ऐसा है, ये ड्रेस कोड ही ऐसा है कि जो भी कोई इसको लेकर सामने आकर बैठता है तो सचमुच में बहुत प्यारे लगते हो आप। मेरा दिल भी मोहब्बत से भर जाता है और मैं कृतज्ञ होती हूँ जिन शासन की इस साधना पर, जिन आचार्यों ने, महापुरुषों ने ये साधना दी, ये बाना दिया, ऐसा सुंदर ये ड्रेस जिसको देख कर ही अपने आप ही वैराग्य सा उत्पन्न होने लगता है, नमन के भाव बढ़ने लगते हैं। कितना प्यारा है ये सब कुछ, आप बहुत प्यारे हो और प्यारे हो जाओ। और कैसे प्यारे हो जाओगे पता है? इसी ड्रेस कोड में जब और साथियों को लेकर आओ, हमारी नजरें उनको देखेंगी ना, तो शायद हमारे दिल में भी बहुत प्यार बढ़ जाएगा। और कहते हैं जब गुरु की प्यारी सी नजर किसी के ऊपर पड़ती है तो उसके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। आज मैं सुबह एक चिंतन कर रही थी कि जो लोग प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल शिविर कराते हैं, आप लोग फॉर्म भरते हैं 5,000, 2,000, 3,000, इतने सारे रुपए देकर वो शिविर क्या करते हो? अटेंड करते हो? और वैसे भी दुनिया में एक भेड़ चाल सी है, क्योंकि जो सब्जी मंडी होती है ना वहां बहुत भीड़ नजर आती है, और जोहरी की दुकान पर, जोहरी की दुकान पर, तो इस दुनिया में जहां भी देखती हूँ वहां भीड़ सब्जी मंडी ही नजर आती है। आपके यहाँ पर जगह जगह होर्डिंग लगे, पोस्टर लगे कि पॉजिटिविटी का एक शिविर होने जा रहा है, उस शिविर की एंट्री फॉर्म जो है उसमें आपको अच्छी खासी रकम, फिर भी वहां पर कितने गए? और उन लोगों की भावना क्या है? पैसा कमाने की है ना, प्रोफेशनल ने वो लोग, उन्होंने भी धंधा पकड़ा है। और जो गुरु की आभा में आप लोगों को आकर मिल रहा है उस पर आपका विश्वास, उस पर आपका विश्वास नहीं, बदलता है पूरा जीवन गुरु की ऊर्जा से, गुरु की वाइब्रेशन से। इस धन्यवाद की साधना को करते हुए मुझे 4 वर्ष हो गए और मैंने अपने जीवन में जो रूपांतरण देखा है, जो बदलाव देखा है, कसम से मैं कहती हूँ आपको, मुझे किसी से बहुत जल्दी शिकायत नहीं होती। हम सब वन वन की लकड़ी आकर इकट्ठे हुए हैं ना, कोई बात हो सकती है, विचारों में भी भिन्नता हो सकती है, हर चीज में भी भिन्नता हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस धर्म पाठ पर बैठकर झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, मेरे भीतर में कोई कषाय नहीं रहता। इतनी कृतज्ञता हर मानव के प्रति रहती है, जिस साधना के रस को मैंने चखा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो साधना, ये कोई केवल व्याख्यान नहीं है, प्रवचन देने वाली मैं कौन होती हूँ, कोई प्रवचन नहीं है, जिंदगी में जो 2-4 अनुभव हुए हैं बस उन अनुभवों को आपसे शेयर करने के लिए इस पाठ पर आई।
जो मेरे जीवन में नहीं है मैं नहीं चाहती वो आपके समक्ष बोलूं। सचमुच में जो मेरे जीवन में नहीं है मैं आपसे बोलना नहीं चाहती, बस वही बोलूंगी जो मैंने अनुभव मेरे अनुभव में आया है। इस धन्यवाद की साधना से मेरे भीतर का जो रूपांतरण हुआ, प्राणी मात्र के लिए जो करुणा का भाव भरा है, कोई भी साधक सामने से आ जाए, नहीं है जीवन में इस संप्रदायवाद का जहर मेरे जीवन में, कोई भी सामने से आता है मैं उनको नमन करती हूँ, उनकी क्रिया को देखकर, उनके ध्यान साधना को देखकर ये आंखें नम हो जाती। ये कहां से मिला? जिन शासन की कृतज्ञता की साधना से। आप इस साधना को करेंगे आपका जीवन तुरंत बदलेगा। आज सिर्फ इतना सा कहने जा रही हूँ, जिसने भी जिंदगी में छोटा सा भी उपकार किया है उनको क्या देना? जब सुबह उठते हो, आंखें खुलती हैं, तो सबसे पहले क्या करते हो? बोलो क्या करते हैं? नवकार मंत्र गिनते, सभी गिनते हो? मोबाइल कौन सब देखते हैं? सुबह उठते हैं, आंखें खुलते हैं, कोई भी नहीं? इस धर्मसभा में जितने लोग बैठे कोई मोबाइल नहीं देखते? क्या बात है, वेरी गुड। मैंने आप लोग भी नहीं जो देखते हो, अभी थोड़े जनों कैसे रेल रहे हैं, बाकी कोई देखता हो तो हाथ खड़ा करके बता दो मुझे। जो मोबाइल देखते ही सुबह उठते ही सुना, वो दिन भर उसी ऊर्जा में रहते हैं। मोबाइल में कौन सी रेस है? रेडिएशन। आप दिन भर उसी ऊर्जा में रहोगे, आपकी आंखें खुली, आपने सबसे पहले जिस चीज को देखा, दिन भर आप उसकी ऊर्जा में रहना चाहते हैं। सोचा अपने बच्चों को मना करो, नहीं मानते हो तो मेरे पास भी लेकर आ जाना, मैं उनको बता दूंगी, उनकी चॉइस होगी तो देखेंगे, थोड़े से उसके फायदे बता देते हैं कि इसको देखने से क्या होगा। बहुत बचना जरूरी है, बहुत आवश्यक है वीडियो। और धन्यवाद की साधना से विवेक बढ़ता है, संकल्प बढ़ता है। जब हम धन्यवाद की साधना करते हैं, अपने आप ही तुम्हारे जीवन में विवेक बढ़ेगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इतनी प्यारी सी ये धन्यवाद की साधना है। जब सुबह उठते हैं, आंखें खुलती है ना, तो सबसे बोलना, पहले बोलना देव गुरु और धर्म को मेरा नमन। तीन शब्द बोलोगे रोज, कल की सुबह से ही बोलना शुरू कर देना। कल रत्न सुने थे ना, ये तीन रत्नों को याद कर लेना सबसे पहले, देव गुरु और धर्म। इसमें पूरा कोई भी दर्शन हो, कोई भी धर्म हो, सबके धर्म में देव होते हैं, गुरु होता है, धर्म होता है। ये एकदम विशाल उदारता का अनेकांतवाद धर्म केवल महावीर का नहीं है अनेकांतवाद। अगर अनेकांतवाद को तुम फैलाकर देखो तो पूरे विश्व का धर्म है अनेकांतवाद। हर पूरे विश्व में देव गुरु और धर्म की साधना से मंडित है पूरा संसार। तो तुमने सूर्य उठकर क्या करना है? दिन भर उसकी क्या रहोगे? उसकी शरण में रहो। और उसके बाद छह जीवनी काय के जीवों को धन्यवाद देना। छह जीवनी काय के जीव मालूम है ना? ये धरती जिसने हमें आश्रय दिया है, आलंबन दिया है, इस धरती माता का बहुत कर्ज है हमारे ऊपर। कम से कम धन्यवाद देकर भी इस कर्ज को चुकाओ। पानी, अगर एक दिन पानी ना आए घर में तो कितने डिस्टर्ब हो जाओगे। हवा, हम कह देते हैं कितनी बार मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, कहते हैं ना अहंकार में, अभिमान में। अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को धन्यवाद नहीं दे सकता। अगर देगा तो फॉर्मेलिटी में देगा। जब अंदर से अहंकार खत्म होता है, ईगो खत्म होती है, तभी हम किसी को धन्यवाद दे सकते हैं। हम क्रोध में आकर बोल देते हैं, अहंकार में आकर बोलते, चल चल मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूं। कर सकते हो अकेले बहुत कुछ? कितने लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे किसी की जरूरत? एक अकेले हम श्वास भी नहीं ले सकते अपने बलबूते पर, ऐसी औकात हमारी। एक श्वास लेने के लिए भी किसकी जरूरत है? हवा के जीवों को। छह जीवनी काय के जीवों को हर रोज क्या देना?
धन्यवाद देना अग्नि काय को, वनस्पति काय को, जो त्रस जीव तुम्हारे सहयोगी बन रहे हैं उनको क्या देना दोगे ना? कल से ये साधना शुरू कर देना। जैसे तुम्हारा विश्वास समय के प्रति, माला के प्रति, तप के लिए है ना विश्वास, ऐसा ही विश्वास लगाओ इस कृतज्ञता की साधना के लिए, धन्यवाद की साधना के लिए। और एक बात और बता दूं आपको, ये पूरी नेचर, ये पूरी सृष्टि, अगर तुम इसको धन्यवाद देना शुरू कर देते हो ना, तो कोई भी बुरा ग्रह तुम्हें पीड़ित नहीं करेगा कभी भी। कोई भी ग्रह, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, समुद्र, सबको क्या देना? चंद्रमा कमजोर हो गया तो उसकी स्थिति खराब हो गई, क्या कहते हैं? सूर्य नीच का हो गया तो, अगर तुमने सूर्य को नमन किया, तुम किसी को नमन करते रहो और वो तुम्हें पीड़ा दे, ऐसा होगा कभी? नहीं ना। तो फिर सूर्य को धन्यवाद दो ना, वो अपने समय बनाकर हमें अपना पूरा प्रकाश दे रहा। ग्रह, नक्षत्र, तारे, इस सृष्टि के साथ जो भी कुछ जुड़ा है, हर रोज कृतज्ञता से भरकर उसको धन्यवाद। ये धन्यवाद की साधना सिखाते सिखाते मैं यहां तक आई हूं और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और बता रहे हैं हमारा जीवन बदल गया, हमारे साथ धन्यवाद देते देते। कितनी प्यारी साधना है, जिसने दिया, जिसने शुरू किया, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उधार का है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि एक एक शब्द जहां से मिला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपने भी क्या देना है, करना है ना? और इस धन्यवाद की साधना का एक बहुत सुंदर प्रयोग कल हम कराएंगे, हो सके तो सबको बुला लेना उस प्रयोग के लिए। वो प्रयोग 5-10 मिनट के लिए होगा, लेकिन आपके जीवन से बहुत कुछ जो जन्म जन्म से जमा हुआ है ना भीतर, जो अंदर कुछ भी संवेदना को पहुंचने नहीं देता, उसको हम कल बाहर निकालेंगे। सभी प्रयोग करेंगे, किसी को बुला सकते हो तो बुला लेना, हो सकता है तुम्हारे माध्यम से बड़े बड़े ब्रोकर से मिलते हो आप लोग, और क्या सोचते हो मैं भी वैसा ही, तो कम से कम इस धर्म के ब्रोकर ही बन जाओ आप। इतना ही करना शुरू कर दो, अपने साथ 2-4 लोगों को लाना शुरू कर दो। आपके माध्यम से अगर उन्होंने धर्म किया तो कितना परसेंट आपको मिलेगा? परमात्मा के घर इसके दिल में कॉन्ट्रैक्ट ये परमात्मा के साथ होगा आपका, कि जितने लोगों को आप यहां पर लेकर आओगे तो उसका कितना परसेंट आपको, कुछ खाली नहीं रहोगे। लेकिन क्या करें, दृष्टि ही ऐसी मिली है बाहर की दुनिया की, ब्रोकिंग उसी के लिए जीना चाहते हैं, उसी के लिए करना चाहते हैं। एक बार करके तो देखो इस आंगन से शुरुआत, और फिर बाहर की चीजें भी कहां पर आ जाएंगी, आएंगी, जरूर आएंगी। जीवन में बैलेंस लाना चाहते, शुक्रिया अदा करना चाहते, प्यार से भरकर, मोहब्बत से भरकर, जिंदगी का सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है इस शब्द के अंदर। बच्चे ने तुम्हें पानी दिया एक गिलास, तुमने उसको कहा बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, कितना खुश हो जाएगा। और भोजन परोसने वाले को आपने धन्यवाद दिया, वो कितना खुश हो जाएगा। अब मुझे कितनी बार ये साधना सिखाती हूँ तो भाई आकर कहते हैं हमारे साहब ये तो उनका काम है। अरे काम तो है, अगर काम के साथ धन्यवाद को जोड़ दिया तो क्या बुराई है, अच्छी बात है ना। आपकी पत्नी है घर में, उनका काम है, लेकिन उनको खुश करना भी तो आपका काम। अगर आपने उनको धन्यवाद दिया, वो प्रसन्न हो गए, अगले दिन और अच्छा अच्छा खाना मिलेगा फिर आपको। और कौन सी वाइब्रेशन से भरा हुआ, खाने का जो रास्ता होता है ना, वो सीधा कहां तक पहुंचता है, दिल तक। और फिर घर में प्यार कैसा हो जाएगा। सासू जी, जितनी जी सासू जी बैठी हैं यहां पर, उनसे भी एक निवेदन करना चाहती हूँ। आपके बहू से कोई चूक हो गई, गलती हो गई, तो आपने क्या कहना, बेटा हर रोज तो इतना अच्छा बनाते थे, आज क्या हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई है बेटा, कल से उसका सुधार कर लेगा। वो बहू नाराज होगी आपसे, बोलो नाराज होगी, ऐसा बोला कभी आपने? अगर नहीं बोला तो आज से बोलना। और बहू रानी जो भी आई है उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि आपकी, आपको सास की कोई बात पसंद ना आए
तो प्रेम से कहना कि आप तो मेरे माँ हो, हर रोज धन्यवाद देती हूँ मैं आपको कि आपने इतना अच्छा अपना बेटा मुझे क्या दिया, मुझे दे दिया, दे दिया सब माताओं ने पति के रूप में दे दिया, तो उस सास का धन्यवाद अदा नहीं कर सकते। धन्यवाद अदा करो, घर का वातावरण कितना सुंदर और कितना कितना प्यारा हो जाएगा। समय की सुई कह रही है और ज्यादा बहाव में मत आओ, रुक जाओ, और ज्यादा बहना नहीं, रुकना बहुत जरूरी है। अब गुन्नी जी हमारे साथ के मुखार में से उनकी तपोमय अमृतमय, जो इस चीज से भी वंचित है उसके भाग्य का मैं क्या कहूं, कितना तपा हुआ जीवन, कितनी साधना, कितनी आराधना। इस साधना मई वाणी को जिसने नहीं सुना फिर वो मुझे मना कर रहे हैं कुछ मत कहो, लेकिन हमने तो जिया है ना उनके चरणों में जीवन, तो ऐसे गुन्नी मैया की तपोमय जपोमय साधनामय वाणी आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद अदा करते हुए ओम शांति। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब की, श्रमण संघ के युवाचार्य पूज्य गुरुदेव महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पंडित रत्न श्री चौथमल जी महाराज साहब की, मानव केशरी पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब की, महासती पार्वती देवी जी महाराज साहब की, महासती प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, आयम्बिल आराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की, प्रवचन प्रभाकर महासती डॉक्टर मुक्ताश्री जी महाराज साहब की, सब संत सतियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की। चक्रवर्ती में संति संति करे लोए पत्थो गए मनोतरंग, श्री चितारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिप्नत धम्मा मंगलम, चेतारी लगुत्मा, अरियंताल गुत्मा, सिद्धाल गुत्मा, साहुल गुत्मा, केवलिप्नत धम्मल गुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामि, अरियंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहु शरणम पव्यामि, केवलिप्नत धम्मो शरणम पव्यामि, अरियंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवल कृपया के धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख मरण जगत में, मोरन शरण होगा जो भव्य प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल होगा। भगवान महावीर स्वामी की जय जिनेन्द्र, आपस में जय जिनेन्द्र करिए।